मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं माहौल की बेहतरी के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन का माहौल नहीं, जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद उनके मौकिफ की तायद है। दौरे अफगानिस्तान में हो सकता है हालात की बेहतरी पैदा हो जाए। सरबरा JUI का वफ्द समेत अफगानिस्तान का दौरा, अफगान तालिबान हुकूमत के नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकात, खत्ते समेत अमन मान की सूरत हल पर गुफ्तगू। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी कहते हैं फजलुर रहमान का हम सियासी किरदार है, दौरे के मुस्बत असरात होंगे, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के पैगाम एक दूसरे को पहुँचाएंगे। आम इंतखाबात से एक माह कबल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने काम छोड़ दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मुबैना तौर पर चंद दिन कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इजलास में तलखी हुई। इंतखाबात की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाजपुर्स की। तर्जमान इलेक्शन कमीशन नदीम हैदर कहते हैं उमर हमीद बीमारी की वजह से मेडिकल रेस्ट पर हैं, सेहत ने इजाजत दी तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जल्द फराइज सर अंजाम देंगे। दोनों स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की उमूर जला रहे हैं। अफवाहों के बावजूद आम इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कारकुनों से खिताब में मजीद कहा कि जनरल जिया की वजह से मुसलत लोग पूछते हैं वो लाहौर क्यों आए, पूछने वालों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। क्या बार बार एक ही शख्स को वजीर आजम बनाना है? तख्ते लाहौर पर आज तक हुक्मरान सिर्फ मुसलत होते रहे, कोई समझता है कि मार कर और डरा कर भगा सकता है तो गलत फहमी है। लाहौर किसी कारोबारी का है न खिलाड़ी का, अवाम फैसला करेंगे वजीर आजम कौन होगा। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर नौजवान क़यादत को आगे लाएं। आठ फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। अवाम देख चुके मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। अवाम से वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ से रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी मोर और इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इलेक्शन अल्तवा की करारदाद पर तनकीद पर सेनेटर कोहदा बाबर और हिदायतुल्लाह का सख्त रद्द अमल। कोहदा बाबर का सेनेट की करारदाद की हिमायत पर मौलाना फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर, कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इंतखाबात के लिए मौजूद सिक्योरिटी और माहौल फराहम किया जाए। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि करारदाद में उजागर किए गए सिक्योरिटी तहफ़ुज़ात हकायक पर मबनी हैं, इक्तदार के हुसूल के लिए कबायली अजला के अवाम को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। अगर इंतखाबी अमल में जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन भी होगा। वसीम अकरम प्लस एजाजुल हक की टीम का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग जिया के सरबरा एजाजुल हक ने कौमी यकजहती अलायंस बना लिया। पीछे के कई मुनहरिफ रहनुमा जिया लीग के इत्तेहादी बन गए। उस्मान बुज़दार, अमीन असलम, हामिद हिराज, सलीम बरियार इत्तेहाद में शामिल। एजाजुल हक कहते हैं 60 से ज्यादा अरकान को मिलाकर इत्तेहादी ग्रुप बना रहे हैं। मीसाक के जमहूरियत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को मजीद मसाइल में डाला। मुल्क में नजरियाती नहीं मफादात की सियासत हो रही है। वानी PTI इस वक्त मुश्किल में हैं, तनकीद किस तरह करूं? वो 54 साल से मेरे जिगरी दोस्त हैं। साबिक वज़ीरे दाखला चौधरी निसार का टेक्सिला में खिताब, कहा कि नून लीग से इज्जत नफ्स की खातिर नाराज हुए, बुजुर्गों के सामने हाथ बांध कर खड़े हो सकते हैं, बच्चों के सामने नहीं। नून लीग में 35 साल गुजारे, उन पर तनकीद करना अच्छा नहीं लगता। किसी जमात की दुम पकड़ कर नहीं, अवामी ताकत से MNA बनेंगे, पिछली बार की तरह वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। जमशेद दस्ती को 4 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 175, 176, PP 269 और 271 से अपीलें मंजूर कर ली। हमाद अजहर की NA 129 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। PP 171 से मियां अजहर और हमाद अजहर के कागजात मंजूर। NA 119 और PP 150 से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार।
ट्रिब्यूनल ने असलम इकबाल को PP 171 से इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया। NA 114 से अली असगर मंडा के कागजात नामजद की मंजूर। NA 121 से जमशेद चीमा और मुसरत चीमा की अपीलों पर फैसला महफूज। जमात इस्लामी का कराची से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान। जमात इस्लामी कराची की तमाम कौमी और सूबाई नशस्तों से इंतखाबात में उतरेगी। हाफिज नईम NA 246, 250 और PS 129 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 229 से मुमताज हुसैन, 231 से उमर फारूक, 235 से मेराजुल हुदा उम्मीदवार, NA 236 से उसामा गाजी, NA 240 से सैयद अब्दुल रशीद, NA 242 से फजल अहद इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के लाहौर से कौमी असेंबली के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला बरकरार। नवाज शरीफ के NA 130, शहबाज शरीफ 123, मरियम नवाज का NA 120 से इंतखाब लड़ने का मुमकिन फैसला। NA 117 से अय्याज सादिक, 118 से हमजा शहबाज, 119 से अली परवेज मुमकिन उम्मीदवार। NA 121 से रोहेल असगर, 122 से साद रफीक, 124 से राना मुबशर के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 125 से अफजल खोखर, 126 सैफ खोखर, 127 से अतातारड़ मुमकिन उम्मीदवार। NA 128 से हाफिज नुमान और 129 से महर इश्तियाक के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि वो PP 31 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 64 और PP 32 से चौधरी सालिक इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। काफ लीग के पंजाब में 15 हलकों में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सियालकोट, झंग, गुजरात, बहावलपुर, बहावल नगर के हलके शामिल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी काफ लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मजीद कहा कि गुजरात से PTI के उम्मीदवार ने खुद कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मुल्की तारीख के बदतरीन पावर ब्रेक डाउन की एक साल बाद तहकीकात मुकम्मल। 80 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान की जिम्मेदारी 3 जूनियर अफसरों पर डाल दी गई। 2 डेप्यूटी मैनेजर्स, 1 शिफ्ट इंचार्ज और 1 मैनेजर पावर कंट्रोल सेंटर को कुर्बानी का बकरा बना दिया। पावर ब्रेक डाउन के जिम्मेदार तगड़े अफसरों को बचा लिया गया। डेप्यूटी MD सिस्टम ऑपरेशन अली जैन ने कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। मुल्क भर में पावर कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी डेप्यूटी MD अली जैन की थी। 3000 अरब मालिक का बिजली तरसीली निजाम SOPs के बगैर चलने का इंकशाफ। वफाकी काबीना ने नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की थी। कश्मीर में 7 मुसाफिरों के अगवा के खिलाफ वरसा और ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। मुजाहरीन ने नाइच गोट पर इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहरीन के मगवियों की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी। मगवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद ठंड, कई इलाकों में गहरी धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद।